हेलो एवरीवन, मेरा नाम निमिषा दुबे है और आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम प्रयागराज की वो शाम है। तो चलिए, आज वो शाम आई है जो हमें प्रयागराज की याद दिलाई है। ढल गया था दिन तो सोचा वहाँ जाके रुकूं जहाँ भारद्वाज मुनि ने अपनी कुटिया बसाई है। फिर मंदिर की घंटियों ने एक आध्यात्मिक अनुभूति करवाई है। आज वो शाम आई है, यहाँ की दही जलेबी, कचौड़ी और देहाती के रसगुल्ले ने दिल में एक अलग ही जगह बसाई है। आज वो शाम आई है, बहते बहते गंगा और यमुना की लहरें मुझे अपने पास बुलाई हैं। आज वो शाम आई है, अब मैं संगम के तट से बिना अक्षय वट और हनुमान जी के दर्शन के चला जाऊं, इस बात की हामी मेरे दिल ने न जताई है। आज वो शाम आई है, कहाँ छोड़ देता मैं यहाँ के इतिहास को, कैसे छोड़ देता मैं यहाँ के इतिहास को। आज़ाद पार्क, म्यूज़ियम और आनंद भवन ने लाखों किताबें जो लिखवाई हैं, आज वो शाम आई है। कलम रुकना ना चाहती थी, पर जब मैंने सिविल लाइंस के हनुमान जी और वीड़ी माधव की बात लिखी तो ये खुद ही ठहराव लाई है। आज वो शाम आई है, ये ठंडी हवा और वो आई लव प्रयागराज वाली सेल्फी हर बार उस सफ़र की याद दिलाई है। आज वो शाम आई है। धन्यवाद।